चलिए क्लास 10 के केमिस्ट्री में आज हम लोग को देखना है डुब्रेनर का तिर्यक नियम। इस तिर्यक नियम के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए क्या है। 19वीं शताब्दी की बात है, कब की बात है? 19वीं शताब्दी की क्या है बात है। जर्मन वैज्ञानिक डुब्रेनर ने सदृश तीन सदृश तत्वों तीन सदृश तत्वों को समूह बनाकर एक तीन सदृश तत्वों को समूह बनाकर मनाकर एक नियम का प्रतिपादन प्रतिपादन किया। जिसे डुब्रेनर का नियम डुब्रेनर का तिर्यक नियम कहते। अब ये को तीन को 19वीं शताब्दी की बात है। जर्मन वैज्ञानिक डुब्रेनर ने तीन सदृश तत्वों को समूह बनाकर एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे डुब्रेनर का नियम कहते हैं या डुब्रेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। अब हम लोग को इसको पहचानना है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया है कि वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन वर्ग एक वर्ग दो वर्ग का है तीन है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कैल्शियम हो गया, ट्रांसियम हो गया और बेरियम हो गया। ये बेरियम एक एक दो और को तत्व है, तीन को तत्व है। दूसरा आप देख लीजिए, लिथियम हो गया, लिथियम के बाद क्या हो गया यहाँ पे? सोडियम हो गया, सोडियम के बाद क्या हो गया आपको? पोटेशियम हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया? तीन हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताया गया कैल्शियम हो गया, ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे कहा जाएगा आयोडीन हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा ये हम लोग का है, ये हम लोग क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का इसका मतलब क्या है कि ये इससे कमजोर है, यानी ये का है इससे कमजोर है, ये क्या है इससे का है कमजोर है, ये क्या है इससे कमजोर है और ये क्या है इससे कमजोर है। अब देखिए ये कोलिन इससे मजबूत है और आयोडीन से का है ब्रोमिन मजबूत है। अब इसका नियम क्या बताया जाता थोड़ा सा समझिएगा, इसका नियम क्या बताया जाता आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। बताया जाता
बताया जाता है ये जो कैल्शियम है और यहाँ पे कहा ब्रोमीन है, कैल्शियम है और कहा ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, दोनों का परमाणु संख्या जोड़कर इसमें दो से भाग देना है तो बीच वाला निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों का परमाणु संख्या को अगर हम लोग जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ के अगर हम लोग क्या करेंगे इससे दो से भाग करेंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। चलिए हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग कैल्शियम के निकालिएगा तो कैल्शियम के कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 40 हो जाएगा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और आपको अब उसके बाद निकलना है किसका, बेरियम का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मिस्टेक हो रहा हम लोग का, बेरियम का Ba होता है बेरियम का, और बेरियम का निकालिएगा तो 137 हो जाएगा, बटा कितना होता है 2, दोनों को जोड़िएगा 177 बटा कितना हो जाएगा 2, कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा 8 हो जाएगा, हाफ की जगह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 88.5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 88.5 हो जाएगा। अब याद रखिएगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो कहा है ट्रांसनियम है इसका परमाणु संख्या होता है 87.5, इसका परमाणु जो कहा है संख्या नहीं, गलती हो रहा है, परमाणु संख्या नहीं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या नहीं, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है। ये क्या हम लोग लिखे इसका परमाणु द्रव्यमान है, इसका हम लोग क्या लिखे हैं बेरियम का परमाणु द्रव्यमान है, तो ये दोनों का जोड़ के इसके बाद कितना आ गया हम लोग का, ये दोनों को जोड़ने के बाद आया हम लोग का 88.5 आया, लेकिन इसका कितना आया था 87.5 आ गया। अब हम लोग के पास तो जगह नहीं है कि लिख पाएंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान बताया गया है लिथियम, उसके बाद क्या बताया गया है सोडियम, फिर उसके बाद क्या बताया गया है यहाँ पे पोटेशियम। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम का कितना हो जाता है 23, और पोटेशियम का कितना हो जाता है तो आप लोग देखिएगा पोटेशियम का हो जाता है 39। सुनिए तो इनका डोमिनेटर का त्रियक नियम क्या आता है, ये दोनों का जोड़ देना है, इसको और इसको क्या कर देना है जोड़ देना है, और जब इसको जोड़ के हम लोग को Li+ का आता है के इसके द्रव्यमान को जोड़ना है, इसके द्रव्यमान को जोड़ना है, इसमें दो से भाग कर देना है, इसका द्रव्यमान कितना है 7+39 बटा कितना है 2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा
यहाँ पहुँच जाएगा 46/2, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, 46/2 कितना हो जाएगा 23। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का 23 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये तो हम लोग का पूरा पूरा करेक्ट आ गया 23। फिर यहाँ पर लिखा गया है कोलरीन है, बोरमीन है और क्या है आयोडीन है। सुनिए कोलरीन है, बोरमीन है, आयोडीन है, ये कितना होता है 35.5। बोरमीन कितना होता है आप लोग देख लीजिएगा 80 होता है। आयोडीन कितना होता है आप लोग देख लीजिएगा 127 होता है। डुबनेर ने क्या बोला था कि ये बेचारा हुआ बोला था कि ये दोनों का हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये इसका परमाणु संख्या है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे। तो मैंने जोड़ दिया 35.5 और प्लस हो जाएगा 127 बटा हो जाएगा 2। पैसा नहीं छुड़वा रहे हैं, इसको कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद हम मर्दोरा घर पहने को पैसा मोबाइल खाता छुड़वाइए 35.5 12 के 2 यहाँ पहुँचेगा 6 यहाँ पहुँचेगा 1 कितना हो जाएगा 1 5 12 के 2 6 इतना हो जाएगा 162.5 कितना हो जाएगा 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब फिर इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा अब हम लोग इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको भाग करके देखिए आप लोग लगभग यहाँ पे 81 दुना कितना होता तो 81 दुना हो जाएगा 162। तो 81.2 हो जाएगा, 81.2 हो जाएगा 2 और भी आएगा यहाँ पे हम लोग का 81.2 हो जाएगा 2। अब देखिए जो हम लोग का कहा है ब्रोमीन है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु क्या है, परमाणु जो द्रव्यमान है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, इसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 80 है लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 81.2 दिया है। तो आप लोग बताइए कि जो मध्य भाग में था, जो मध्य भाग में तत्व था और उसका परमाणु द्रव्यमान मंगाना था, क्या दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग करने पर आया, नहीं आया लेकिन सिर्फ एगो में आया, जब हम लोग ने सोडियम को लिथियम सोडियम और क्या होता है लिथियम सोडियम और क्या पोटेशियम को जब हम लोग ने किया तब यह आया, उसके बाद यह क्या हुआ नहीं आया, सब थोड़ा बहुत क्या हुआ अलग आया। तो ये जो हम लोग का डोब रेनर का जो नियम है तिर्यक नियम है यह का तिर्यक नियम यह सफल होते हुए दिखाई नहीं देता, ये तिर्यक नियम जो होता है ये सफल होते हुए दिखाई नहीं देता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप बोल रहे ना कि बी आर इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन, यहाँ बोलता है ना बी ए तो क्या बोलते हम लोग बेरेलियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेरेलियम बोलते हैं बेरियम क्या बोलते हैं बेरियम क्या बोलते हम लोग बेरियम क्या बोलते हम लोग बेरियम क्या बोलते हम लोग बेरियम बोलते हैं क्या बोलते हम लोग बेरियम
अब आप लोग को देखना है डोब रेनाल्ड का तिर्यक का विशेषता। अब देखिए इसका विशेषताएं क्या है, आप लोग तो इसके बारे में जानते होंगे थोड़ा। एक राउंड बताया गया इसका विशेषता में, हम आप लोग एक राउंड बता रहे हैं। तत्व को क्रियाशीलता श्रेणी में या क्रम में, क्रियाशीलता श्रेणी या क्रम में सजाया जाता है, जिसके जिसके गुण में क्रमबद्धता पाया जाता है, जिसके गुण में क्रमबद्धता पाई जाती है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जैसे में बताया गया है कैल्शियम के का बाद क्या बताया गया है, सीरियम के बाद सॉरी ट्रांसियम, उसके बाद बताया गया है बेरियम। आप लोग नाम लिख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम के बाद हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसियम, उसके बाद हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन, दूसरा का क्या है लिथियम सोडियम के बाद क्या बताया गया था लिथियम सोडियम और क्या बताया जाता है पोटेशियम, इसको हम बोलते हैं लिथियम, इसको हम क्या बोलते हैं सोडियम, इसको हम क्या बोलते हैं पोटेशियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोटेशियम। तो ये हम लोग का है अक्रियाशीलता, ये क्रियाशीलता में सबसे का है, मतलब इससे ये का है कमजोर है, ये इससे का है अधिक है, ये इससे का है कमजोर। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह इसका क्रियाशीलता दिया गया, और भी बहुत सारे ऐसे तत्व है जो तीन तीन को बना के उसका क्रियाशीलता के बारे में दर्शाया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, लिखा गया, जल्दी से लिखो। अब आपको बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बताया गया, दूसरा नंबर बताया गया है कि तिर्यक के नियम में तत्व का परमाणु द्रव्यमान और अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, परंतु यह सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। यह डो रेनर का सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा दोष। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि ये हम लोग जितना भी पढ़े हैं डुब रेनर के बारे में हम लोग ने पढ़ा। डुब रेनर ने कहाँ का, जर्मन वैज्ञानिक, 19वीं सदी की बात है। उन्होंने तत्व के बारे में अष्टक नियम का, सॉरी तत्व के बारे में तिर्यक नियम निकालने का प्रयास किया। वह ऐसा किया कि तीन तीन तत्वों को एक साथ रखकर अंत वाला और शुरू वाला और अंत वाला दोनों की परमाणु संख्या जोड़कर दो से भाग करने के बाद दूसरा का आ जाए। हम आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहे हैं, तिर्यक का सुन लीजिएगा। डुब रेनर का नियम क्या था, थोड़ा सा समझिएगा। वह तत्व को, किसी भी तीन तत्व को क्या करता था, वह लेता था, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे बताया गया था आपको लिथियम, सोडियम और क्या बताया गया था यहाँ पे पोटेशियम, ये तीन को तत्व हैं, ये समान गुण वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका परमाणु संख्या और इसका परमाणु द्रव्यमान ये दोनों का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ता था, ठीक है ना। ये एगो और एगो कितना हो जाता था, दो गो हो जाता था। तो यहाँ पर एन आई का परमाणु द्रव्यमान और के का परमाणु द्रव्यमान में दो से भाग देता था। अब हम आप लोग को बताएं कि इसका कितना होता था, 7, इसका कितना होता था 39, बटा इसमें दो से भाग कर देते 46 बटा 2 बराबर हम लोग कटाते से कटाए तो कितना आ गया 23। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको दोनों को करने के बाद इसका मध्य वाला भाग, तब परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तब हम लोग निकालने का प्रयास किए, हमने कितना निकाला तीन। इसमें कितना तत्व इस्तेमाल हुआ, 9 तत्वों का हम लोग ने इस्तेमाल किया।
परंतु एक में सफलता मिली, बाकी दो में सफलता क्या हुई? नहीं मिली। इसलिए यह सिद्ध होता है कि डुब रेनर का जो नियम है वह सभी जगह लागू, सभी तत्वों पर लागू क्या होगा? नहीं होगा। यह इनका सबसे बड़ा क्या है? दोष है, ठीक है ना। यह प्रयास किए निकालने का, लेकिन इनका इनको सफलता नहीं मिली। इनको सफलता क्या हुई? नहीं मिली, ठीक है। अब आप लोग को देखना है, एक वैज्ञानिक आ रहे हैं जिनका नाम है न्यूजीलैंड्स का अष्टक का नियम, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, न्यूजीलैंड का अष्टक नियम के बारे में अब आप लोग को क्या करना है? ध्यान देना है। देखिए क्या बताया जा रहा है और यह कहाँ के है, कब का है? 1865 ईस्वी की बात है, और लगभग यह बताया जाता है 65 और 66 की बात किया गया है, क्योंकि यह पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने 1865 में पूरा किया गया कि 1866 में पूरा किया गया। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यह 1865-66 ईस्वी की बात है। अंग्रेज अंग्रेजी अंग्रेज वैज्ञानिक वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स अपने न्यूलैंड्स ने अपने समय में उपस्थित तत्व को क्रमिक रूप में सजाकर एक नियम का उत्पादन किया। जिसे न्यूलैंड्स का नियम कहा जाता है। आप समझिए क्या बताया गया है, 1865-66 ईस्वी की बात है। अंग्रेजी वैज्ञानिक कौन था? जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को क्रमिक रूप में सजाकर एक नियम बनाने के काम किया, जिससे हम लोग किसका नियम कहते हैं? न्यूलैंड्स का नियम कहते हैं। लेकिन न्यूलैंड्स ने कैसा नियम निकाला, ये चीज़ को इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए, वह कैसे निकाले इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बता रहे हैं।
गया आपका बताया गया था, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, न्यू लेंस का अष्टक नियम, अष्टक नियम का बताया गया है, थोड़ा सा समझिए। अष्टक नियम बताए, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, देखिए किसी भी तत्व को ऐसा ना क्या तत्व को क्रमिक रूप से सजाकर रखने पर उसके पहले तत्व का गुण, प्रणाम सर बैठे ना, तत्व का गुण उसके आठवे बैठे ना, आठवे गुण के समान होते हैं, उसे न्यूलेंस का अष्टक नियम कहते हैं। अब आप लोग को जैसे संगीत में पहले अक्षर आठवें अक्षर के समान होते हैं, अब आप लोग देख लीजिएगा कैसे होते हैं, सारे कम पत्नी एक दो तीन चार पाँच छ सात, अब फिर इसका आठवा आएगा तो सा आ जाएगा, यानी कहने का मतलब हर आठवा पद जो है या शब्द इसके समान आ जाएगा। उसी प्रकार आप लोग को बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया हीलियम, सॉरी हाँ हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम के बाद क्या होता है बेरियम, बेरियम के बाद क्या होता है बोरान, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन के बाद क्या आता है फ्लोरीन। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा नौ पर, तो ये हम लोग का हाइड्रोजन हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया फ्लोरीन हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि सारे गम्मा पत्थनी, ठीक है ना, तो अब हम लोग को क्या हो गया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हम लोग का एच हाइड्रोजन, और ये देखिए इसका परमाणु, सॉरी इसका वाहकम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके भी वाहकम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर जगह नहीं फिर बता रहे, तुरंत नोट कर लीजिए।
यानी कहने का मतलब बताया गया है, यह बताया गया है कि इसके वाहक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था और इसके वाहक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, इसको हम बताते हैं, फिर से आगे चलते हैं। ये हम लोग का क्या था, थ्री यूनिट का स्ट्रक्चर। अब देखिए फिर से आपको बताया जा रहा है, ये हम लोग का क्या एक है, इसको हम लोग फ्लोरीन बोलेंगे। ये क्या है, सोडियम है। सोडियम के बाद क्या आएगा, एम जी आ जाएगा, ए एल आ जाएगा, ए एल के बाद क्या है भाई, एस आई हो जाएगा, एम पी हो जाएगा, एस हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात। आप देखिए ये कहा, ये हम लोग का फोलरिन है और इसके बाद आगे हम लोग का जो आएगा कहाँ आ जाएगा, फोलरिन यहाँ पे आ जाएगा आठवां में। इसका भी संघ परमाणु वाहक कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन था और इसके भी वाहक कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है। अब आप ध्यान रखिए, इसको क्या बताते हैं सा, इसको क्या बताते हैं रे, इसको क्या बताते हैं ग, इसको क्या बताते हैं म, इसको क्या बताते हैं प, इसको क्या बताते हैं थ, इसको क्या बताते हैं नी। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे गम पथानी का, सारे गम पथानी ये संगीत को बैठ रहा है, इसका क्या होता है, एक वाद्य कक्षा में और इसके वाद्य कक्षा में एक होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को ये कौन को है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कितना गया आठ। इसलिए न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड का अष्टक नियम बोला गया, इसी को क्या बोला गया, न्यूलैंड का क्या बोला गया, अष्टक नियम बोला गया। न्यूलैंड का क्या बोला गया, अष्टक नियम बोला गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये भाई साहब के दोष क्या है, इनके नियम का दोष क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम का क्या करें कि क्या करते हैं, क्या कर दीजिए, ये दोष ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना, एक नंबर अष्टक का नियम हल्के तत्व के लिए लागू होता है, भारी तत्व के लिए नहीं। यानी समझ लो, अष्टक नियम जो होता है हल्के तत्व के लिए लागू होता है, कौन सा तत्व के लिए,
हल्के तत्व के लिए लागू होगा, भारी तत्व के लिए लागू का होगा नहीं। किसका? न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम जो होता है ये सिर्फ हल्के तत्व के लिए लागू होता है, भारी तत्व के लिए लागू का होता है नहीं होता है। उसके बाद बताया गया है, ध्यान रखिएगा, दूसरा बताया गया है अष्टक का नियम में प्रथम तत्व के गुण आठवें तत्व के गुण से भिन्न होते हैं। इसरा देख लीजिए क्या होता है, न्यूलैंड्स के समय मात्र 56 तत्व आगे अनुमान के आधार पर किया गया जो बिल्कुल है। एक दो तीन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसके और भी जो गुण है बहुत सारे, इसका गुण का हो सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर, गुण में कौन सा गुण है या? ये दोष वाला है, ये कौन सा गुण है? उनका दोष है, नियम तो बनाए थे लेकिन वह पूरा का हुआ अच्छा सफल नहीं हुआ, चावल तो बना लेकिन बढ़िया से सीझा हुआ नहीं था, अगर बनवो किया तो गिल हो गया, मरगिलवा हो गया, ठीक है ना, वैसा इंग्लिश में कहा है। जल्दी से
देखिए इसका दोष में अभी और भी दोष है, तीन गो दोष लिखवाने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 8-10 को वैज्ञानिक है। तो तनिषा देखिए, वैज्ञानिक है तो तनिषा बताया गया इसके बारे में, लेकिन इनका क्या, उस समय जितना हो सका इन्होंने बेचारे किए हैं। सुनिए, जब अक्रिय गैस का निर्माण हुआ तो आठवें समान गुण वाले न होकर नब्बे तत्व होने लगे। यानी क्या बताया गया था, बताया गया था पहला क्या होता है, पहला जो होता है आठवां जो क्या होता है समान गुण वाला होता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, नहीं हुआ। जब अक्रिय गैस हो गया तब नौवा का समान मिलने लगा, पहला किसके समान मिलने लगा, नौवा का समान मिलने लगा। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग को, पांचवा दिखाते हैं। न्यूलैंड्स ने कुछ असमान गुण वाले तत्व को एक साथ रखा गया, जैसे में कुबार निकेल कुबार निकेल कोलरीन और कोलरीन को एक साथ रखा गया, एक साथ क्या किया गया, रखा गया। आप लोग ये किसका दोस्त था, यह हम लोग का किसका दोस्त बताया गया था, ये दोस्त किसका था, यह दोस्त न्यूलैंड साहब के थे, जिन्होंने नियम बनाने के बाद इसके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाए थे। आप देखना यहाँ पे न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रभावित होकर
बनाने का प्रयास प्रयास। अब देखिए न्यू लैंड के अष्टक नियम से प्रभावित होकर मेंडलीफ ने क्या किया, अपना अष्टक बनाने का फैसला लिया कि चलो अब इनसे नहीं हुआ तो हम अष्टक बनाएंगे। लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यू लैंड्स ने ही क्या किया था, ये बताया था आवर्ती के बारे में। किसने बताया था? न्यू लैंड्स ने ही आवर्ती के बारे में, तत्व के आवर्ती गुण के बारे में किसने बताया था? न्यू लैंड्स ने बताया था। अब किसका आगमन होता है? हमारे मेंडलीफ साहब का। मेंडलीफ, आप याद रखिए मेंडलीफ साहब कहाँ के थे, ठीक है? मेंडलीफ साहब कहाँ के थे? क्रम में सजाया। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कब की बात है? 1769 ईस्वी की बात है। वो किसके नियम से प्रभावित हुए थे? मेंडलीफ किसके नियम से प्रभावित हुए थे? न्यू लैंड्स के नियम से क्या हो गए थे? प्रभावित हो गए थे कि अगर तू करेगा तो हम भी क्या कर लेंगे, कर सकते हैं। उन्होंने प्रभावित होकर अपना भी वह सारणी बनाने का प्रयास किए और सबसे ज़्यादा मेंडलीफ का आवर्त सारणी का हुआ, प्रचलित रहा। मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, जल्दी से नोट कर लीजिए।
हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें क्या है, जब उन्होंने सजाए, जब उन्होंने क्रमिक रूप में सजाए, जब उन्होंने क्रमिक रूप में सजाए तो उनको दो को चीज दिखाई दिया, ठीक है ना, तत्व के गुणों में क्रामिक परिवर्तन हुआ। दूसरा हो जाएगा तत्व के निश्चित संख्या के बाद, निश्चित संख्या के बाद तत्व का गुण समान होते हैं। यानी करने का मतलब देखिए, हम बता रहे हैं, सुनिए, निश्चित संख्या के बाद जब का होता है तत्व का किया जाता है, देखा जाता है, निश्चित संख्या के बाद तत्व का देखा जाता है तो क्या होता है, तत्व का देखा जाता है तो क्या होता है उसका गुण का होता है समान होता है, उसका गुण का होता है समान होता है। तब इतना उन्होंने निष्कर्ष निकाला किसने, तब उन्होंने इतना निष्कर्ष निकाला, तब अपना नियम बनाया। इतना निष्कर्ष निकालने के बाद उन्होंने अपने निष्कर्षों के आधार पर मेंडलीव ने एक नियम का प्रतिपादन किया उसे मेंडलीव मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। किसका आवर्त नियम कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं।